बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपने वचन सीखने के लिए समय निकाला, परमेश्वर की बरकत आप पर बनी रहे। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जीवन और भक्ति से सब कुछ जो संबंधित है आपके वचन में हमारे लिए रखा है। आज का यह सेशन हमारे लिए आशीष और अनुग्रह का रहेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। रोमियो की लिखी हुई पत्री का अध्ययन अपन कर रहे हैं और हमने पिछले सत्रों के अंदर 9, 10 और 11 अध्यायों में देखा कि परमेश्वर कैसे यहूदियों को अब भी सुसमाचार के प्रति एक प्रत्युत्तर देने का मौका दे रहा है। उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को खोजने का प्रयास किया और वे विफल हो गए, परंतु जो प्रभु को नहीं ढूंढ रहे थे, यानी कि हम जैसे अन्य जातीय लोग जो गैर यहूदी हैं, हमने विश्वास के द्वारा और वो भी प्रभु यीशु मसीह के किए गए कार्य पर और उस पर विश्वास के द्वारा हमने ये धार्मिकता अर्जित करी है। तो इन अध्यायों के अंदर वो परमेश्वर के विषय में हमें निरंतर ज्ञान 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 उसकी योजना उसकी महानता के विषय में हमारे लिए बातों को प्रस्तुत करता आया है। लेकिन अब 12 अध्याय से आगे पौलुस हमारे लिए व्यवहारिक बातों को प्रस्तुत करेगा। और याद रखिए, मूल रूप से रोम के अंदर रह रहे विश्वासियों को वो पत्र लिख रहा है। करीब करीब 2000 साल पहले ये पत्र लिखा गया, लेकिन आज भी मुझसे ये बात कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है, यही है बाइबल की विशेषता। एक समूह को लिखी गई, एक समय में लिखी गई, लेकिन आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी वो बातें कर रही है, आज भी वो मुझे प्रभावित कर रही है। चलिए देखते हैं 12वें अध्याय के अंदर पहली आयत से आगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2-3 शब्द इसके अंदर से। हे भाइयों, याद रखिए, यहूदी लोग भी हैं, गैर यहूदी भी हैं। गैर यहूदियों की संख्या ज्यादा है ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, यहूदी लोग संख्या में कम हैं, लेकिन दोनों समूहों को एक साथ संबोधित करते हुए पौलुस कह रहा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर। परमेश्वर की दया, 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय में बार बार पौलुस ने शब्द का प्रयोग किया है, दया दया दया। क्या है दया? हमें जब वो न मिले जो हमें मिलना चाहिए, वो दया है। समझाऊं? हमें दंड मिलना चाहिए था, लेकिन हमें दंड नहीं मिला, यह परमेश्वर की दया है। कई बार उसने इस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए 9:16 में देखिए, अतः ये न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। 9:23 देखिए, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा करी है। उसके अलावा 11वें अध्याय में अगर आप देखें 30वीं आयत में, 11:30 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई है। याद रखिए, हम पर दया हुई है। मेरे साथ बोलिए, हम पर दया हुई है। हमारा दंड हटा दिया गया, हम बचाए गए हैं, हम पर दया हुई है। एक और आयत 32वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। कुछ लोगों पर ही नहीं, विशिष्ट एक क्लब के लोगों पर ही नहीं, लेकिन सब पर दया करना चाहता है। परमेश्वर सब पर दया करना चाहता है, सबको उद्धार का अवसर देना चाहता है, सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। परमेश्वर सबको बराबर दृष्टि से देखता है। तो दया की बात हम कर रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, आदमियों की, मनुष्यों की, बड़े महानुभावों की नहीं, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है, मैं प्रेरित हूं, मैं दास हूं और मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूं।
लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उस समय लोग शरीर को अपवित्र मानते थे। ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। शरीर को अपवित्र मानते थे और वो कहते थे शरीर तो केवल एक खोखा है और इसके अंदर एक आत्मा है और बस आत्मा से परमेश्वर का ताल्लुकात है। शरीर कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी करे, आत्मा पवित्र रहनी चाहिए। लेकिन पौलुस एक नई बात पेश कर रहा है और वो कह रहा है ना केवल आत्मा लेकिन अपने शरीरों को कैसे प्रस्तुत करो, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन। जीवित बलिदान जब चढ़ाया जाता था तो वो जीवित बलिदान चढ़ाया जाता था और वेदी पर उस जानवर को या पक्षी का वध किया जाता था। पौलुस कह रहा है हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र, जिसमें कोई दाग ना हो, और उतना ही नहीं परमेश्वर को भावते हुए रूप में बलिदान चढ़ाओ। और फिर यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। जो शब्द आत्मिक आया है वहां पर हम जो आत्मिक समझते हैं उतना ही नहीं है, एक शब्द और डाल सकते हैं, यही तुम्हारी स्वाभाविक सेवा है, ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए। पुराने लेखकों में से एक ने लिखा है, अगर कोयल स्वाभाविक रूप से गाती है, अगर उकाब स्वाभाविक रूप से ऊंचाइयों पर उड़ता है, तो मुझे भी स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। एक एक नेचुरैलिटी है, एक स्वाभाविकता है। चीता दौड़ता है, मोर अपने पंख को फैलाता है, अपनी खूबसूरती को दिखाता है, ये उनका स्वाभाविक एक चरित्र है। उसी प्रकार पौलुस कह रहा है तुम्हारा स्वाभाविक कार्य, तुम्हारी स्वाभाविक सेवा, तुम्हारे अंदर से अपने आप जो निकलना चाहिए वो ये है कि तुम परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को कैसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ। शरीर को छठे अध्याय के अंदर पौलुस ने हमें बताया था कि किस प्रकार लोग अपने पैरों से, होठों से, हाथों से, गलों से पाप करते हैं और अपने आप को पाप के हथियार के रूप में पेश करते हैं। पौलुस कह रहा है उस बात को याद रखते हुए वो कह रहा होगा अपने शरीरों को प्रभु की महिमा के लिए चढ़ाओ, चढ़ा दो। और फिर दूसरी बात देखिए, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। बहती हुई नदी के साथ साथ बहते चले न जाओ, खड़े रहो। आपको मालूम पिछले दिनों में एक बात मैंने सीखी, पवित्रता का मतलब है अलग। पवित्र मतलब अलग, अलग व्यक्तित्व, अलग किया हुआ, अलग से रखा हुआ, ये पवित्रता के पर्याय है। मतलब जब हम अपने आप को संसारिकता से अलग करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग करते हैं, जब अपने धन में से कुछ अलग करते हैं, अपने समय में से कुछ अलग करते हैं, हम उसे पवित्र ठहरा रहे हैं। पौलुस कहता है संसार के सदृश न बनो, परंतु उसमें आ जाने से पहले एक आयत में आपको दूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6:8 में देखिए क्या लिखा है, इसलिए तुम उनके समान न बनो, अन्यों के समान तुम न बनो। लेवी व्यवस्था के अंदर भी एक आयत है, तुम तुम्हारे आसपास की जातियों के समान न बनो, एक चेतावनी है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। ध्यान दीजिए कैसे होगा यह काम, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि अगर मन नया नहीं हुआ और चाल चलन बदलने का प्रयास किया है तो वापस 2 दिन के बाद जब कोई देख नहीं रहा होगा पुराने चाल चलन में हम लौट कर आ जाएंगे। लेकिन अगर मन नया हो गया है, हमारे इरादे नए हो गए, हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय आ गया है प्रभु के अनुग्रह से और इस आराधना और भक्ति से और संगति से, जब हमारा स्वभाव अंदर से बदल गया है तो चाल चलन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। याद रखिए सीक्वेंस, ये क्रम याद रखिए, मन पहले नया होना है, अंदर एक निर्णय लेना है, अंदर प्रभु को हाजिर जानकर अपने जीवन को चलाना है, अंदर के अंदर आपको ठानना है मुझे प्रभु की महिमा करना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2019 में बदला था, इस साल में बिल्कुल नहीं बदला, ऐसा ना होने पाए। हर दिन हर बार जब भी प्रभु के वचन के सामने आते हैं, जब भी आराधना में आते हैं, हमारा जीवन
बदलता जाए, बदलता जाए। और फिर जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बहुत सुंदर बात। जब तुम्हारा मन नया हो जाएगा तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, और जब तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा तो तुम परमेश्वर की इच्छा को, और वो भी कौन सी इच्छा, जो भली भावती और सिद्ध है, उसको तुम पहचान सको। पहले उसने तीन शब्दों को प्रयोग किया था, शरीर को बलिदान चढ़ाने के लिए जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ उसने बोला था। लेकिन अब वो बोल रहा है तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब आप देखिए, परमेश्वर की इच्छा जानी जा सकती है, परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। हम चाहते हैं कोई किसी को मालूम नहीं पड़े मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन प्रभु तो अपने भक्तों को बताना चाहता है, अपने भक्तों को बताना चाहता है कि वो क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम दास नहीं, अब मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, और मैं जब तुम्हें मित्र कह रहा हूं तो इसका मतलब आने वाली बातों को मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें तैयार करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के लिए लिखा है वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बहुत 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 गहराई इस बात के अंदर है, आप समझिए। गुप्त रखने के लिए ही नहीं, लेकिन प्रभु के प्रियों को प्रभु अपनी बातों को, अपने मर्मों को प्रकट करता है। तो ऐसे आप ना कहें मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या चाहता है, आप बैठिए प्रार्थना में, आप बैठिए वचन को लेकर, आप बैठिए अन्यों के साथ जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु का भय रखते हैं, उनके साथ बैठिए और आपको प्रभु की इच्छा मालूम हो जाएगी। चलिए आगे अपन बढ़ रहे हैं, तीसरी आयत से आगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, मुझे उस अनुग्रह के कारण, दया और अनुग्रह, दया और अनुग्रह साथ साथ चल रहे। दया मैंने आपको पहले बताया जो मुझे मिलना चाहिए था जब मुझे नहीं मिलता है वो दया है। अब अनुग्रह क्या है, जिसके लायक मैं नहीं था जब मुझे मिलता है तो वो अनुग्रह है। मैं योग्य नहीं था प्रभु के सेवकाई कर सकूं, मेरी व्यक्तिगत कहानी, मेरी व्यक्तिगत गवाही यह है। हाँ मेरे पिताजी परमेश्वर के सेवक थे, लेकिन उसके कारण मैं सेवा में नहीं। मैं क्लियरली, मुझे पक्का मालूम है, मुझे पक्का मालूम है कि मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने पहले मुझ पर दया की, मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे अतीत के जीवन को उसने मानो हमेशा हमेशा के लिए, और मानो नहीं सच है, मेरे अतीत को उसने हमेशा के लिए हटा दिया, और न केवल दया किया पर मुझ पर अनुग्रह किया, इसलिए मैं आज आपसे इस तरीके से बात कर पा रहा हूं। तो चलिए, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, यहूदी गैर यहूदी हर एक से कहता हूं, क्या कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अब देखना 12वें अध्याय के अंदर ऐसे ऐसे वाक्य पौलुस लिखेगा कि उसको समझाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं? स्पष्ट शब्दों में देखिए, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। मैंने प्रभु के लिए किया, हमारे दादा ने जमीन दिया उस पर चर्च खड़ा है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने उसको खड़ा किया, अरे पहला मौका मैंने उसको दिया। प्रभु बोल रहा है पौलुस के द्वारा, जैसा जरूरी है उससे ज्यादा बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। लेकिन इसके साथ एक और बात जोड़ दूं, एक तो है अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना, लेकिन इसका विपरीत भी बिल्कुल बिल्कुल आज लागू होता है, अपने आप को जरूरत से ज्यादा कम आंकना। पुराने में एक जगह लिखा है जब 12 भेदिए देश को देखने के लिए गए गिनती की पुस्तक के अंदर, तो जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बोला हम अपनी नजरों में उनके सामने टिड्डियों के समान थे। अपनी नजरों में, उन्होंने नहीं बोला तुम टिड्डी हो, हमको ऐसा लगा जब उनको देखा कि हम टिड्डी हैं। आपको प्रभु ने तोड़े दिए, आपको प्रभु ने वरदान दिया है, आपको प्रभु ने कौशल दिया है, लेकिन जब आप दूसरों से तुलना करते हो तो आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अरे है, एक कुप्पी भर तेल से, एक मुट्ठी भर मैदे से चमत्कार हो सकता है तो आपके पास जो है। इसलिए याद रखिए, कम भी मत आंकिए, और अगर थोड़ा है तो ये अनाउंसमेंट मत करिए कि मेरे पास बहुत है। नहीं, जैसा चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। पर लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे।
जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे, विश्वास के परिमाण के आधार पर अपने आप को समझे। इसे हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक, सबको बराबर विश्वास का परिमाण दिया है परमेश्वर ने, विश्वास की मात्रा दी है, और अब उसके आधार पर अपने आप को लोग समझे। लेकिन इसका एक और अर्थ हो सकता है, और वो क्या मालूम, सबको अलग अलग मात्रा में विश्वास दिया गया है और उस मात्रा के आधार पर प्रभु के हाथ के नीचे रहते हुए अपने आप को वे नम्र रखें और प्रभु की इच्छा को पूरा करते जाएं। चौथी आय, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक दूसरे होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कुरिन्थ को लिखते समय पौलुस ने बताया था, हाथ, पैर, कान, इन सारी बातों का उसने वर्णन किया था। लेकिन पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमको बता रहा है, सब अंगों का एक हिस्सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के, बहुत अच्छी बात, एक दूसरे के अंग हैं। अब देखिए 6 आयत से आगे वरदानों के बारे में पौलुस रोम की मंडली को लिखेगा। वरदान बोलते आप सोचेंगे यहां वरदान कैसे आ गया, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा। अलग अलग जगह पर बाइबल के अंदर वरदानों की सूची है। पहला कुरिन्थी 12 आपने अगर पढ़ा है, वहां पर 9 वरदानों की सूची शुरू के अंदर है, लेकिन उसी अध्याय के अंत में आते आते 8 वरदानों की सूची वहां पर। फिर इफिसियों को लिखी हुई पत्री 4 अध्याय के अंदर वरदानों का विवरण है, और फिर अगला विवरण रोमी 12 अध्याय के अंदर आत्मा के द्वारा दिए गए वरदानों का विवरण हमको मिलता है। तो यहां देखिए 6 आयत से आगे, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। वरदान के विषय में अगर आप टीचिंग चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बता दूं, वरदान परमेश्वर देता है, अनुग्रह से कमाए नहीं जा सकते। दूसरी बात, वरदान अलग अलग प्रकार के हैं। तीसरी बात, वरदानों से कलीसिया को लाभ होना चाहिए, अन्यों को लाभ होना चाहिए। आपके वरदान से यदि दूसरों को लाभ हो रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया है, तो आप आपके वरदान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने वरदान का सही प्रयोग कर पा रहे हैं। तो देखिए, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको अब सूची दे रहा है पौलुस, सूची दे रहा है, देखिए क्या क्या वरदानों के नाम वो यहां बता रहा है। तो जिसको भविष्यद्वाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यद्वाणी करे। भविष्यद्वाणी क्या है? केवल भविष्य में क्या होगा वो कहना नहीं है। बाइबल के आधार पर भविष्यद्वाणी परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर का जन जब परमेश्वर की बातें बताता है तो वो भविष्यद्वाणी है। साथ ही साथ बाइबल के अंदर से उठाकर प्रतिज्ञाओं को जब वो देता है प्रभु के आत्मा के प्रेरणा के अधीन रहकर, तो वो भी भविष्यवाणी। हाँ, इसका एक हिस्सा कल क्या होगा या आने वाले वर्षों में क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, ये सारी बात तो उसके अंदर आती है, लेकिन वो ही नहीं, हाथ दिखाने के बराबर नहीं है भविष्यवाणी। बाइबल के अंदर भविष्यवाणी सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। इसलिए पहला थिस्लोनिकियों के अंदर 5वें अध्याय में पौलुस कहता है, परख लो, अच्छे से परख लो भविष्यवाणी को। ये बहुत अच्छी चेतावनी हमारे लिए। हमको कहीं भी कोई भविष्यवाणी मिल जाती है और हमको लगता है हमारे लिए है, और जब पूरी नहीं होती तो हमको लगता है अरे प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको समझना है, परखना है कि सच्ची भविष्यवाणी क्या है और कौन सी है और क्या आपके लिए है क्या। तो भविष्यवाणी का यदि दान मिला हो तो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा भी बहुआयामी है, कुछ भी सेवा है। प्रभु के नाम से जो कुछ आप करें, एक ग्लास ठंडा पानी भी पिलाएं तो वो सेवा है। तो अगर वो अंदाज में आप इस आयत को देखें, तो सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे, और फिर यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। टीचिंग, शिक्षा देना बहुत बहुत एक जरूरी सेवकाई है कलीसिया के अंदर, लेकिन सीख कर, लागू कर कर फिर सिखाना है। चलते फिरते कहीं से भी देख लिया, कुछ भी देख लिया और किसी को सुना दिया, नहीं, सीखना है, लागू करना है और फिर सिखाना है। और उसके बाद देखिए 8वें आयत में, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। तो सिखाने वाला भी है, उपदेश देने वाला भी है, लेकिन सूची खत्म नहीं हुई। आगे देखिए,
दान देने वाला उदारता से दे, दान देने वाला उदारता से दे। इस आयत को पढ़कर कुछ लोग बोलते हैं हमको ये वरदान नहीं मिला है सर। देखो वरदान तो एक स्पेशल चीज है, लेकिन अनुशासन तो सबके लिए है, सबके ऊपर लागू होता है। तो दान देने वाला कैसा दे? कंजूसी से नहीं, उदारता से दे, क्योंकि उसे यह वरदान मिला। और जब वो अपने वरदान का प्रयोग करता है तो वह आशीष पाता है, और आशीष पाने के लिए नहीं देता, परंतु आशीष पाई है इसलिए वो दे पाता है। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो इन सूचियों को पेश करता है पौलुस रोम की मंडली को और लिखता है इन इन आत्मिक वरदानों का प्रयोग कलीसिया की उन्नति के लिए किया जाए। अलग अलग वरदान है, अलग अलग लोगों को मिलेंगे, परमेश्वर विश्वास के परिमाण के आधार पर लोगों को देता है और वे कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने वरदानों को लगाए। मेरी प्रार्थना है आप वरदानों से सुसज्जित रहें, आपके जीवन में कोई वरदान की कमी ना हो। और सचमुच मैं कह रहा हूं जब आप वचन के अंदर रहेंगे, आत्मा से भरे रहेंगे, आपके अंदर उमंग रहेगी, प्रभु मेरे द्वारा आपकी महिमा होने पाए, मुझे आप इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए, तो आपको समय समय पर पवित्र आत्मा वरदान देता जाएगा, और जो वरदान आपको मालूम भी नहीं थे ऐसे वरदानों से प्रभु आपको भर देगा, ताकि आपके हाथों से, आपके जुबान से, आपके आंसुओं से, आपके पैरों से प्रभु की महिमा निरंतर होती चले। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दें।